आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर हम लोग पूरी पूरी बात करेंगे। मॉडुलस फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स के टर्म में, कैलकुलस के टर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बच्चे हमेशा इस बात से स्केयर्ड होते हैं, डरते हैं, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। इन तीनों बातों पर वाइवर और मॉडेक्स, मॉडेक्स की एक डेफिनेशन और ग्राफ, इसका मतलब हम आज इस वीडियो में तीन एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। फंक्शंस, फंक्शन की डेफिनेशन और उसके ग्राफ, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्राफ बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉड ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, ये सारी बातें, ये तीनों एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए लास्ट तक, आगे बारी बारी से तीनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। लास्ट तक आप जाएंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल और मॉडुलस जो आपका डर है इंटरेस्ट में डेवलप होगा। डर इंटरेस्ट में जब डेवलप हो जाता है वहीं से वो चीज़ आने लगती है। तो लास्ट तक हम लोग देखेंगे मॉडुलस के बारे में। किसी चीज़ को बहुत ही सिंपल, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों पर अगर ध्यान दें, बेसिक बातों के तरीके से उसको लिया जाए तो वो चीज़ बहुत सहज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने टेबल के फॉर्म में दिखाया, नंबर्स के फॉर्म में देखा है, जहाँ से गणित शुरू हुई होती है, तो ये एक हमारी समझ को डेवलप करती है। यहाँ देखें कि हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, पॉजिटिव रियल नंबर दिया, तो देखिए मॉडुलस में हम डाला तो 1 का मॉड 1 होगा, 2 का मॉड 2 होगा, 3 का मॉड 3 होगा, 0.5 का मॉड 0.5 होगा। तो यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि अगर पॉजिटिव नंबर होगा, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे रियल नंबर्स हो, कोई भी इरेशनल नंबर्स क्यों ना हो, अगर आप मॉड में वो डालेंगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब कि यहाँ पर वर्क क्या कर रहा है कि मॉड ऑफ x x के बराबर है, यानी x और मॉड x बराबर है, इनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर मॉड और x दोनों बराबर हो गए। इधर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि निगेटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स हों, निगेटिव नंबर्स हों, जब भी आप यहाँ डालेंगे तो -1 का मॉड 1 आया, तो फर्क कहाँ दिखाई पड़ा, इस दायरे में हमें फर्क दिखाई पड़ रहा है, इस दायरे में, जीरो के भी दायरे में, जीरो को भी डाला गया तो जीरो ही मिला। तो यानी कि इस साइड जो भी आप मॉड में डालते हैं वही मिल जाता है, यहाँ पर जो भी आपने डाला तो जो भी डाला -1 डाला था, मिला क्या 1। ध्यान देंगे -1 डाला 1 मिला, -2 डालेंगे 2 मिला, -3 डालेंगे 3 मिलेगा। तो इस मशीन में अगर आपने -2 को एंटर किया है 2 मिलेगा। तो ऐसा क्या प्रोसेस हुआ, ऐसा क्या प्रोसेस हुआ कि -2 2 के बराबर हुआ, इसका मतलब इस नेगेटिव के आगे क्या रख दिया गया माइनस, तो क्या आ गया 2। तो जब भी आप नेगेटिव रखते हैं, अगर वही चीज़ इधर वही मशीन थी, आपने 2 डाला, प्रोसेस हुआ, पर प्रोसेस के बाद मॉड मशीन से 2 ही निकल के आया, यानी मशीन ने प्रोसेस किया फिर भी कोई वैल्यू में चेंज नहीं किया, यानी वो कब होता है जब वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, जीरो होती है, तो मशीन ने कोई चेंज नहीं किया, यानी कि मॉड एक्स में अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा, यानी कि जीरो डालेंगे या जीरो से बड़ा डालेंगे, मशीन कुछ भी चेंज नहीं करेगी, वही निकाल देगी। अब मशीन में आपने नेगेटिव डाला, जैसा कि यहाँ पर आपने नेगेटिव डाला तो मशीन ने -2 डालने पर -2 नहीं निकाला, उसका क्या कर दिया माइनस कर दिया, उसका क्या कर दिया, अब माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स कैसा है, ये एक्स कैसा है माइनस, इस माइनस के आगे क्या लगा दिया माइनस, तो ये भी कैसा हो गया प्लस हो गया। ये डेफिनेशन थी, बहुत ही मुझे लगता है सहज टर्म में आपने सीखी होगी। मॉडल से आप डरे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत ही ईजी है, सहज है, ये लास्ट तक आप जाएंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें एक प्रोसेस, मशीन क्या करती है प्रोसेस करती है, तो मॉडुलस मशीन को लाइक कहने का ये मतलब नहीं कि आप कोई मशीन आप परचेज करने चले जाएंगे भाई मॉडुलस मशीन दे दो, ये मेरा खुद का एक लाइक समझाने का तरीका है कि हमने डेवलप किया, आप फिर सोचें कि भाई मॉडुलस मशीन भी आती है। कहने का मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि एक मशीन मान लो, सपोज जैसे कि आप कोई मशीन देखते हैं, वैसे मॉडुलस मशीन एक नाम दिया मैंने, तो कोई भी इनपुट डालेंगे तो वो प्रोसेसिंग होती है, उस पर काम होता है, मशीन उस पर काम करती है, उसके बाद फिर वो आउटपुट निकाल देती है। तो यहाँ पर इसी मशीन में आपने 2 डाला, जैसे कि कोई आपके पास कंप्यूटर हो, वो मॉडुलस कंप्यूटर हो, मॉडुलस कैलकुलेट करता हो, तो आप 2 दबाएं तो क्या आंसर देगा आपको 2 दे देगा, अगर 3 आपने दबाया
तो आंसर में थ्री, मतलब डिस्प्ले क्या होगा, थ्री होगा, और जीरो डाला तो जीरो होगा। तो आपने देखा कि जो भी आप डाल रहे वही मिल रहा है, जो भी डाल रहे वही मिल रहा है, मगर आपने बाई चांस क्या हुआ माइनस वन दबा दिया, मिला क्या वन, और माइनस टू दबाया तो क्या मिला टू। तो यानी कि अभी तक तो आप थोड़ा सा बोर फील कर रहे थे कि वन डालने पर वन मिल रहा है, टू डालने पर टू मिल रहा है, थ्री डालने पर, क्या है कुछ नहीं है बस दबा रहे हैं वहाँ पे, बस डिस्प्ले हो रहा है। जब आपने माइनस वन डाला तो वन मिला, यानी कि अंतर आया, क्या आया अंतर। तो हमेशा यहाँ देखिए, आपने पॉजिटिव भी डाला, आपने नॉन पॉजिटिव भी डाला, और आपने निगेटिव डाले, तो यहाँ पर इनपुट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, बट इधर देखिए हमेशा आपको कैसे मिले पॉजिटिव मिले, यानी कि इस मशीन में कुछ भी डालने के बाद हमेशा कैसा मिलेगा पॉजिटिव, और जो मिल रहा है वो क्या है वाई, तो वाई क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव। इस मशीन के बाद जो निकल के आएगा तो निकल के क्या आ रहा है वाई, वाई बराबर मॉड एक्स, तो वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो डाल रहे हैं वो निगेटिव भी डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं वो जीरो भी डाल रहे हैं, और डाल रहे हैं पॉजिटिव भी डाल रहे हैं। तो ध्यान दें कि x क्या है, मे बी निगेटिव और मे बी पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है। तो x जो है डाला गया जो वो x वो निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हमने कैटराइज किया कि जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर है, जीरो से निगेटिव है, जीरो छोटा है, निगेटिव मतलब छोटा है। तो आप इस तरीके के कुछ भी डाल सकते हैं। जब पॉजिटिव डाला तो पॉजिटिव निकलेगा, तो x पॉजिटिव डाला ही था, x ने जीरो डाला तो जीरो निकल के आ गया। अब निगेटिव डाला, जैसे कि अगर किसी से हम पूछे ये x कैसा है और ये माइनस x कैसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं हम जैसे पूछते हैं तो ये x को पॉजिटिव बताते हैं, क्या बताते हैं पॉजिटिव, और इसको क्या बताते हैं निगेटिव। आप भी शायद जब ये सुन रहे होंगे तो आपको भी लगेगा ये निगेटिव है पॉजिटिव। अब सपोज देखिए कि अगर इसमें हम माइनस टू इसमें डाल दें तो माइनस एक्स में माइनस टू डालेंगे तो ये आपको समझ गया होगा ना पॉजिटिव मिल रहा है, और माइनस टू यहाँ डाल दें निगेटिव मिलेगा। तो ये एक्स वेरिएबल है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, जब तक आप ये नहीं दिखा पाएंगे इसमें डाल क्या रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये एक्स निगेटिव डाल रहे हैं तो ये माइनस एक्स कर रहे हैं, तो ये निगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। ये बात मैं बार बार समझाता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं समझाता हूँ स्टूडेंट क्या इससे दिक्कत क्या होती है अगर नहीं समझा आपने, कि मॉड एक्स बराबर लिखेंगे वो लोग प्लस माइनस एक्स। अब आपको सिखाया कि मॉड हमेशा पॉजिटिव है, तो आप सीख लेंगे मॉड पॉजिटिव है, जब मॉड बराबर प्लस माइनस एक्स लिखेंगे तो आपको लगेगा ये प्लस भी एक्स भी है माइनस एक्स है। यार प्लस एक्स और माइनस एक्स का मतलब ये है कि वो जब पॉजिटिव होगा तो प्लस एक्स लेके काम चलेगा, और निगेटिव होगा तो माइनस एक्स लेके काम चलेगा, इसका मतलब एक माइनस ले लेगा, इसका मतलब पॉजिटिव बन गया। तो जब भी उसके अंदर आगे माइनस लगाया गया इसका मतलब वो कैसा था निगेटिव था, उसके आगे माइनस लगाने से क्या बन गया पॉजिटिव। ये जो आपके दिमाग में धारणा बनी हुई है कि x पॉजिटिव होता है माइनस x निगेटिव होता है, जितनी जल्दी हो हटा लीजिए, गलत धारणा, मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। और ये कैलकुलस के टर्म में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, मतलब भयंकर मिस्टेक बोल सकते हैं, कैलकुलस कभी आ नहीं सकती है। x इज अ वेरिएबल, माइनस x इज अ वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल हैं, जैसा x डालेंगे वो वैसे ही बन जाएंगे। तो ये ध्यान दें, ठीक, जब भी मॉडुलस के कुछ मॉडुलस फंक्शन सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार इतनी सारी झंझट क्यों लें, मगर तब तक आप उस चीज़ पर इंटरेस्ट पैदा नहीं करते जब तक आपको ये समझ नहीं आता कि इम्पोर्टेंस कहाँ पर है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, और जब आपको लगेगा कि ये रियल में वाकई में इम्पोर्टेंट है तो आप वाकई में फिर सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका इम्पोर्टेंस है। एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, और मगर मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार में आपको दे दिया है तो थोड़ा सा टफ लगेगा, कि हो सकता है कि मॉडुलस से छोड़ ही दें। तो ये बता, एक क्वेश्चन से एग्जांपल है कि मॉडुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपसे ये दे दिया जाए क्वेश्चंस कि 0 टू 2 एक्स, अब आपको दिया जाए माइनस 1 से 0 माइनस एक्स, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन के इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है और सीधे आंसर निकाल लेंगे। इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए मुझे लगता है कि फिर मजाक हो जाएगा, ठीक है। ये आप आंसर्स निकाल सकते हैं। अब देखें मॉडुलस जब आ गया तो मॉडुलस को देखें कि मॉडुलस के लिए बताया गया था कि जब जीरो से बड़ा है तो एक्स आएगा और जीरो से छोटा है माइनस एक्स आएगा। कहने का मतलब आप करेंगे कैसे, तो बेसिक टर्म में ये बात कैसे करेंगे वो देखें ट्रिक्स की तरह।
मॉड एक्स लिया गया है तो आप एक्स अंदर वाली चीज को जीरो कर दीजिए, तो जीरो मिला। तो रियल लाइन पे आप जाएंगे और जीरो ले लेंगे। जैसे हम अभी एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, जीरो टू टू मॉड एक्स माइनस वन डी एक्स, आप और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से। तो हमने बोला इसकी अंदर जो मॉड के अंदर जो चीज पड़ी है, एक्स माइनस वन को जीरो कर दिया, एक्स बराबर क्या मिला वन, आप रियल लाइन पे वन ले लिया, यहाँ जीरो मिला तो जीरो ले लिया। अब देखिए इधर है प्लस इधर है माइनस, अब अपनी जो लिमिट दी गई आपकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या दी, माइनस वन से माइनस टू, तो माइनस वन से टू ये है। तो देखिए हमारा ये पार्ट और ये पार्ट ब्रेक हुआ, माइनस वन से लेके जीरो तक क्या रहेगा नेगेटिव, और जीरो से लेके टू तक क्या रहेगा पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर अब अपनी लिमिट देखिए, तो जीरो से टू, तो जीरो क्या होगा वन के इधर होगा और टू क्या होगा इधर होगा। और देखिए इस जो वन के लिए, ये जीरो के लिए जो क्रिएट किया गया था, वन के लिए यहाँ पे क्या इधर क्या है प्लस इधर माइनस, तो वन से लेके टू तक और जीरो से लेके वन तक। तो यहाँ पे देखो ब्रेक करेंगे हम लोग फंक्शन को, तो यहाँ क्या ब्रेक करेंगे माइनस वन से जीरो, अब इसमें क्या दिख रहा है निगेटिव, तो माइनस एक्स, फिर जीरो से लेके टू, अब यहाँ प्लस दिख रहा है तो क्या लिखेंगे एक्स, यहाँ पे ब्रेक क्या करेंगे, ये क्या दिख रहा था वन, तो जीरो से लेके वन तक। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है माइनस, तो इसके आगे क्या रख देंगे माइनस, फिर आपको क्या दिख रहा है वन से टू क्या दिख रहा है पॉजिटिव। बाकी इंटीग्रेशन सॉल्व करना इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में बताएंगे कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है, मॉड कैसे ब्रेक हुआ, विदाउट मॉड की प्रॉपर्टी आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, विदाउट इस प्रॉपर्टी को समझे आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक। वैसे देखा जाइए तो पार्ट इंटीग्रेशन का है, बट आंसर्स को टैली कराते हैं, जिससे कि आप अगर अभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। दो पार्ट में हमने ब्रेक किया था, सीधे आपको पता है कि माइनस हमने बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू था, लिमिट थी हमारी माइनस वन से लेके जीरो तक, यहाँ पर भी वही एक्स स्क्वायर बाई टू है जीरो टू टू, अपर लिमिट को पहले रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट को रख दिया, देखो एक्स की जगह रखा तो उसका स्क्वायर भी किया था, सॉल्व किया, सॉल्व करके फाइव बाई टू आंसर आया। तो आप जो एक क्वेश्चन और हमने छोड़ा था उसको भी आप कर सकते हैं, ट्राई करें उसका भी आंसर निकालें, ठीक। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसके सोल्यूशन निकाल लें इस इक्वेशन के। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारी एक्सप्रेशंस आती है जिनमें मॉडुलस लगा होता है, बहुत सारे बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। एक बात और रियलिटी है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे इन द सेंस मैथ्स का अपग्रेडेशन हो रहा है, फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो रहा है, मॉडुलस के बिना आप रह नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। तो आप देखें आगे, आगे वाले स्टेप में दिखाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब भी मॉड आए तो आप ध्यान रखें कि आपको प्लस माइनस एक्स लेना है, कहने का मतलब एक बार सिंपल आपको मॉड की जगह है सिंपल एक्स रख देना है, एक बार आपको माइनस एक्स रखना, बस यह डालनी है कि या तो हम एक्स रखे करेंगे या माइनस एक्स रखे करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि हमें एक्स कर देना है, क्या कर देना है यहाँ पर एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा। अगर एक्स की मॉड एक्स किया माइनस एक्स कर देना है तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू आ जाएगा। अब बताइए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, विद इन अ सेकेंड कोई भी कर सकता है। जैसे मॉड आ गया तो टफ हो गया यार, कुछ नहीं बस मॉड की जगह का प्लस और माइनस करना है, बस ऑर्डर में करना है। देखो केस वन बनाया, हम मॉड एक्स की जगह एक्स रखने जा रहे हैं, कह रहे हैं मतलब ये चीज करने जा रहे हैं, बट कब करने जा रहे हैं पॉजिटिव, बस ये ध्यान रखें कि अब एक्स पॉजिटिव मान लिया है, अभी यहाँ पे बस ऐसे कर दिया था पॉजिटिव मान लिया, सॉल्व किया, एक्स की दो वैल्यू आई, क्या दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ले ली जाएंगी, पॉजिटिव ना होती नहीं ली जाती। यहां पर ऐसा कब कर रहे हैं, जब कैसा हो निगेटिव हो, बस इसको जो सॉल्व कर रहे थे अभी इसको ऐसे सॉल्व कर रहे, कोई कंडीशन नहीं थी, अब जो सॉल्व कर रहे कंडीशन के अकॉर्डिंग कि एक्स को निगेटिव माना, दोनों आए क्या आए निगेटिव आ गए, अगर निगेटिव एक निगेटिव आता एक पॉजिटिव आता तो एक ही लेते, तो यहां पर भी दो सोल्यूशन लिए, यहां दो लिए यहां दो लिए, दो और दो कितने हुए चार, यहां सोल्यूशन चार हो गए, पहली बात फोर सोल्यूशन आए, कितने आए फोर सोल्यूशन, कौन कौन से माइनस टू माइनस वन और वन और टू। अगर यहां पर मैं अब दूसरी बात बोल रहा हूं, अगर यहां पर ये आ जाता और x कैसा माना गया नेगेटिव, तो ये वाला नहीं लेते ये लेते, ठीक है। अगर यहां पर मान लो आ जाता सपोज वन का मान टू की जगह माइनस वन माइनस टू और ऐसा होता तो एक भी नहीं लेते, क्योंकि अब हमें सोल्यूशन निकालना है, तो कैसे मान ले पॉजिटिव आए कैसे निगेटिव, तो बस ये ध्यान रखना है कि
करना ये है और करना ये है, एक बार आप प्लस रखिए एक माइनस, बट ध्यान रखें कि ये कब किया गया, पॉजिटिव माना गया कब किया, नेगेटिव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आप मॉडुलस के बिना आप ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं, तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन करना है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का, जैसे कोने में इधर देखिए, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है और एफ डेस एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू टू, किसी पॉइंट पर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन डी ए वाई वाई डी एक्स मॉड एक्स का थ्री पर निकालिए, मॉड एक्स माइनस थ्री का टू पर निकालिए, तो डिफरेंशिएशन निकालने होते हैं मॉडल फंक्शन के। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो हमने बोला जब भी मॉड देखें तो मॉड कोई हवा नहीं है, बस ध्यान रखना है कि उसके आगे मॉड जब भी आपने देखा, कोई भी देखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का भी मॉड आप देखते हैं, तो दो बातें होने वाली हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और आगे क्या लगना वाला है, बस या तो वैसे ही हट जाएगा या उसके आगे माइनस लगेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी देखो हमने यहाँ देख ली, या तो एक्स माइनस वन होने वाला है या उसके आगे क्या लगने वाला है माइनस, दो ही बातें हैं। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए एक्स माइनस वन और एक्स लेस देन इक्वल टू वन के लिए एक्स माइनस वन के आगे माइनस, यानी कि देखो यह कैसे डिसाइड किया, ये बात तो हमने डिसाइड कर ली। ये बात अगर अभी भी ना समझ में आए तो देखो ऐसे एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस टू मान लो है, तो दो बातें होने वाली हैं, ऐसा या आगे क्या लगा देंगे। भाई सिंपल है कि कोई भी बच्चे को सिखाया जाए कि भाई टी का मॉड लिखना है, तो बच्चा ये सीख गया कि टी लिखना है या माइनस टी लिखना, बच्चे को सिखाएगा कि भाई एल का मॉड लिखना है, तो बच्चा क्या सीख गया है एल या माइनस, बताइए भाई है? बच्चे को ये सिखाएगा कि मारुला का मॉड, तो बच्चा ये सीख गया है कि या तो मारुला होगा या क्या होगा, समझे कि नहीं, अब बात समझ गए होगे। तो इतनी बात, अब वो होगा कब, तो होगा कब के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे, तो क्या आएगा वन, तो वन आया तो इसके राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस, तो वन से बड़े के लिए पॉजिटिव और वन से छोटे के लिए नेगेटिव, ये बात बेसिक थी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, इधर टू पर निकालना है, देखो वन से बड़े के लिए ये आया, तो वन टू क्या है, वन से बड़ा है, तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा ये, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, एफ डी एक्स का मतलब क्या डिफरेंशिएशन, तो अब बताइए एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन कौन नहीं कर पाएगा, क्या आ गया वन, एक्स का डिफरेंस है वन और वन का जीरो, इतना ईजी है। मतलब क्वेश्चन क्या था कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बताइए अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्स माइनस वन का डिफरेंस कर दो, आंसर ना लगा आप दे के आए तो आप खुद पे शरमाएंगे, शरमाएंगे क्या मतलब, आपको हीन भावना सी आएगी। ठीक, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा पहले आप जरूर बताएंगे, क्योंकि मॉडुलस बहुत ही प्रिसाइज नहीं किया जा सकता है, भड़बड़ में नहीं बताया जा सकता कि अभी बता दिया हो गया अब आपको समझ नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फीडबैक आप अच्छा देंगे, अच्छा इन द सेंस आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट है मुझे सीखना है, ऐसे लोग जो निकल के आएंगे कि मुझे सीखना है बताइए, तो फिर हम लोग ग्राफिकली और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक दो पार्ट और उसके डेवलप करेंगे, जब देखा ही आपने देख सुना होगा कि मूवी कोई हिट हो जाती है तब उसके बाद जब उसकी डिमांड होती है तब पार्ट आते हैं, तो अगर आप डिमांड करेंगे तो पार्ट आएंगे, तो डिमांड आपके ऊपर है। और जरूर बताते रहिए कि जो हम लोग अभी सेशन ले रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं उनके बारे में, आप बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोगों ने एक्टिवली पार्ट लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है रियल में, मुझे अब मज़ा आ रहा है कि कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ तो लोग पढ़ रहे हैं। थैंक यू बच्चों, अच्छा करो।